हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आया हूँ मैं बेसेंट बीच, और लुक देखना चाहोगे तो काफ़ी मज़ा आएगी। सेकंड टाइम देख रहा हूँ अभी एक प्लांट में, मैंने सी को फर्स्ट टाइम देखा था और अभी मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ। आप भी देखिए और एंजॉय करिए। तो ये है मेन रोड, और देखो किनारे बंगले बने हैं, होटल्स बने हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं। तो इन लोगों को दिन रात सी की वेव्स का मज़ा मिलता है, तभी होता है कि लाइफ में पैसा कमाना चाहिए। और ये है बेसेंट नगर बीच और एडवर्ड एलियट्स बीच, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे सबसे फेमस है मरीना बीच, वहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि वो सबसे घटिया और गंदी बीच है। प्लीज़ कोई भी आप साउथ के लोगों से पूछेंगे, वो आपको नहीं सजेस्ट करेगा मरीना बीच के लिए, वो आपको एडवर्ड एलियट ही सजेस्ट करेगा बेसेंट नगर के लिए। और हम लोगों ने भी, मेरे कुछ साउथ के फ्रेंड हैं, उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया और कहा यहाँ चले जाओ। तो ये बीच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और अच्छा है। सो हम लोग आ गए हैं अराउंड 3 बजे, तो इस वजह से लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, शॉप्स खुल रही हैं, और यहाँ सारी शॉप्स में मोस्टली सेम ही काम होता है। और ये बिल्कुल कोस्टल एरिया जस्ट बिल्कुल पास में ही है। अगर आप अभी गूगल मैप में मुझे देखोगे ऑलमोस्ट मुझे सी पे दिखाएगा। और प्रॉब्लम यहाँ बहुत, क्रो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने ये नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा कौवे हैं, खोपड़ी के ऊपर से निकल जाते हैं, परेशान करते हैं। तो और उनको यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ के कौन से कीड़े वो खाते रहते हैं, पूरे टाइम इसी रेत पे घूमते हैं और फिर उड़ जाते हैं, कहीं आपके सिर से ऊपर से उड़ेंगे, कहीं आपके किनारे से उड़ेंगे। ये बड़ा अजीब लगता है। और वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हेयर, मज़ा आ रही है, हाय बहुत अच्छा है ये सी व्यू। सो दिस इज़ अ कंप्लीट लुक ऑफ दिस बीच, और सब लोग बैठे हैं। एंड इन माय बिहाइंड व्हाट आई हैव, बेस्ट पार्ट क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा, कि वेव्स आती हैं, एक चली जाती है, वो जा ही रही होती कि दूसरी उसके ऊपर से आ जाती है, फिर दूसरी वाली जा रही होती तो पीछे से तीसरी आ जाती है। सो ये जो एक चेन कॉम्बिनेशन होता है वेव्स का, और ये देखो पूरा सब गीला कर देती है। और मतलब तुम प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस जगह खड़े हो तो यहाँ पे सेफ हो, वेव इवन वहाँ भी आ जाती है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। और देखो ये यहाँ के आगे चली गई, पैर नहीं भिगा पाई मेरे। तो यही है, ये है सी के किनारे की कुछ शॉप्स, यहाँ पे आप छोटा मोटा आइटम ले सकते हैं। और यहाँ कॉर्न मिल रहे हैं, भुट्टे, और सब चेयर्स पड़ी हैं, चेयर, और उन चेयर्स पर जाके आपको कुछ नॉन वेज की शॉप्स मिल जाएंगी, या फिर बाकी आपको सिंपल एक स्प्रिंग पोटैटो होता है, वो भी मैं खाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। और आइसक्रीम के 2-4 ठेले आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो ये भी भुट्टे बना रहे हैं, तो भुट्टे का यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, और स्प्रिंग पोटैटो का भी। बाकी कौवे आप देख ही सकते हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इवन क्या बोलते हैं, भेलपुरी टाइप की भी कुछ रखा रहता है, कई शॉप्स मिलेंगे जैसे यही रखी है, और ये लोग देते रहते हैं। ये मैंने खा के नहीं देखा क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा था, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने के बाद भी हम लोगों ने एक शॉप चूज़ कर ली। फाइनली सब सेम शॉप होती हैं, सेम चीज़ें मिल रही हैं। और ये देखो ये स्प्रिंग पोटैटो बना रहे हैं, एक पोटैटो को इस तरह से छीलते हैं, उसके पतले पतले लेयर देखो ये सब लगे भी हैं बाहर, उनकी लेयर निकल आती है, फिर उनको भूंज के उसमें क्रीम लगा के दे देते हैं। और ये बहुत बड़ा कैथेड्रल है यहाँ पे, और मे बी ये किसी की दरगाह इवन उस टाइप का भी हो सकता है। और बहुत अच्छी एरिया है इधर बीच के आसपास। तो फाइनली हमें एक मिल गया है अपना नॉर्थ का पंजाबी लस्सी वाला ढाबा टाइप का, जिसमें हमारे नॉर्थ वाले आइटम यहाँ मिल रहे हैं। भाई साउथ में खाने की बड़ी दिक्कत है। और देखो हमने मंगाई है क्या, राज कचौड़ी, और ये देखो बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल नॉर्थ वाली फीलिंग आ रही है, यूपी वाली खाना। इस शॉप में अगर आप बेसन नगर बीच घूमने आए हैं तो पंजाबी लस्सी वाले के यहाँ ज़रूर आइएगा, सारा अपना नॉर्थ का आइटम मिल रहा है, जलेबी, समोसा,
और ये देखो कि मैं अपने फ्रेंड को भी देने जा रहा हूँ। हम चारों फ्रेंडों ने राज कचौड़ी खाई है और बिल्कुल मेरी मामी भी बनाती हैं राज कचौड़ी और वही वाला टेस्ट आ रहा है। तो वही घर की याद दिला दी यहाँ चेन्नई में। और हमारी फेवरेट लस्सी भी हमें यहाँ अवेलेबल हो पाई, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आई यहाँ पर।